गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा, पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने किया था गुणा कैसे करते हैं हम परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का गुणा। तो आज हम देखेंगे कि कैसे परिमेय संख्याओं का भाग करते हैं। तो एक सवाल गुणा का कर लेते हैं। सिंपल सा छोटा सा सवाल है, माइनस का 4/5 को गुणा करना है माइनस का 10/8 से, या 10/16 से। ठीक है, तो कैसे करेंगे? हमको पता है कि जो संख्या जिससे कटती है हम काट देते हैं। 4 के पहाड़े में 16 कितनी बार आता है? 4 बार, 4 चौके 16। 5 के पहाड़े में 10 कितनी बार आता है? 2 बार, 5 दुनी 10। फिर से 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार आता है? 2 बार, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2। अब क्योंकि दोनों ही संख्याएं माइनस की है ना, दोनों के आगे माइनस का निशान है, और 2 हमारी एक विषम संख्या होती है ना विषम संख्या, इसलिए उत्तर में प्लस का निशान या प्लस का आंसर आएगा। क्लियर है सभी को? बताइए बेटा चैट सेक्शन में, क्लियर है? हाँ बेटा, कौन से स्टेप में नहीं हुआ पंकज? कौन से स्टेप में नहीं मैम हुआ फिर पूरा? से रिपीट कर दो। दोबारा से बता दूँ? यस मैम। ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ। ये सवाल था, माइनस के 4/5 को गुणा करना है माइनस के 10/16 से। कैसे करोगे बेटा? 4 और 10 कट रहे हैं, 4 और 16 आपस में कट रहे हैं ना, ऐसे काटते हैं ना क्रॉस में, 4 और 16। 4 के पहाड़े में 16 कितनी बार आता है? 4 बार, 4 4 16। 5 के पहाड़े में 10 कितनी बार आता है? 2 बार, 5 दुनी 10। अब 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार आता है? 2 बार, 2 दुनी 4, 2 एकम 2, 2 दुनी 4, ऊपर कुछ भी नहीं बचा 1 के अलावा, तो 1 लिख दो, नीचे क्या बचा है? 2, 2 ही तो बचा है। अब क्योंकि दोनों ही संख्याएं माइनस की है, यहाँ पे माइनस की नजर आ रही है, और 2 हमारी एक सम संख्या होती है, इसलिए उत्तर में प्लस का निशान आएगा, प्लस का 1/2। हाँ, इसके बाद में एक और समझा दूंगी, ये वाला क्लियर है? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा कि आपको माइनस का 17/34 को गुणा करना है 1/2 से। ठीक है, तो फिर से हम देखेंगे कौन सी संख्या आपस में कट रही है। फिर 17 का पहाड़ा मुझे याद है, 17 एकम 17, 17 दुनी 34 होता है, 17 दुनी 34 तो होता है। अब कोई संख्या नहीं कटेगी तो ऊपर तो 1 है, ऊपर तो 1 ही बचा, नीचे है 2 दुनी 4, नीचे है 2 दुनी 4। अब क्योंकि एक ही संख्या माइनस की है ना, एक ही संख्या माइनस की है, एक हमारी विषम संख्या होती है, ऑड नंबर, इसलिए उत्तर के आगे माइनस का निशान आया, माइनस का 1/4। हाँ, वेरी गुड हेमंत, क्लियर है? देखो गुणा समझ में आएगा तभी जो अगला टॉपिक है भाग, वो भी समझ में आएगा। अच्छी बात है, चलो सभी को समझ में आ गया। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है भाग। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन करने से पहले आपको एक टर्म याद होगी, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल, कोई बताएगा क्या होता है ये? क्या होता है व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल?
आंसर तो आपने लिख दिया, पर व्युत्क्रम क्या होता है, मेरा सवाल ये है। ठीक है बेटा, ठीक है अंकुश, ठीक है ठीक है। कोई बताएगा क्या होता है व्युत्क्रम? ठीक भूल गए क्या? बेटा व्युत्क्रम मतलब होता है संख्या को उल्टा करना। जैसे 3/4 लिखा है, 3/4 का अगर हम बोलो व्युत्क्रम कर दो, आप बोलोगे 3/4 का व्युत्क्रम होता है 4/3, रेसिप्रोकल ना, उल्टा कर देना संख्याओं को। याद आया? हाँ चलिए, अब ये हो गया, तो इसी से हमारा सवाल सॉल्व होगा, इसलिए मैंने आपको व्युत्क्रम वाला टॉपिक पूछा है। सवाल है 28 को भाग दो 7/2 से। अब देखो 28 का पहाड़ा मतलब 7/2 का पहाड़ा आपको आता है? नहीं आता है ना, तो क्या करोगे, क्या करेंगे हम? व्युत्क्रम करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या रूल है? सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, मतलब ये 28/1 ही रहेगा, ये 28/1 ही रहेगा। दूसरा जो है 7/2, इसका कर दो उल्टा व्युत्क्रम। 7/2 का व्युत्क्रम होगा 2/7, 7/2 का व्युत्क्रम होगा 2/7। भाग का भी तो उल्टा करना पड़ेगा, भाग का उल्टा गुणा, भाग का उल्टा गुणा। अब जो कट रहा है काट दो, 7 × 7 7 × 4 = 28, 4 को करो 2 से गुणा कितना आएगा 8, 4 × 2 = 8। अब नीचे ना कुछ नहीं बचा, नीचे एक ही है तो एक का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना, सीधा सीधा इसे 8 ही लिखोगे। क्लियर है सभी को सवाल ये वाला? अब सेम गुणा वाला ही है, बस आपने एक स्टेप और ऐड करना है व्युत्क्रम का। ठीक है, चलिए अगला देखिए एक और एग्जाम्पल। ये वाला करते हैं, चलिए माइनस का 5/8 को भाग देना है 4/3 से। माइनस के 5/8 को भाग देना है 4/3 से। आप लोग ट्राई करो, इस बार आप ट्राई करिए और चैट सेक्शन में आंसर लिखिए इसका क्या आएगा। तो एक बच्चे का आंसर आ गया, एकदम करेक्ट है। ठीक साइन का भी ध्यान देना है बेटा पंकज, साइन क्या है ना? सभी का ये आ रहा है, चलो फिर देखते हैं सभी का ये आ रहा है। तो देखो पहली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, माइनस का 5/8 ही आएगा। दूसरे का कर देते हैं व्युत्क्रम, 4/3 को क्या लिखोगे 3/4, बीच में भाग की जगह क्या लगा दो गुणा, भाग की जगह क्या लगा दो गुणा लगा दो, है ना। आप जो संख्या कट रही है काट दो, आपको दिख रहा है कोई संख्या कट रही है आपस में? मुझे तो कोई संख्या कटती हुई नजर नहीं आ रही है ना। अगर जहां पे कोई संख्या कटती नहीं है वहां डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, कितना आएगा 5 × 3 = 15, 8 × 4 = 32। अब एक संख्या माइनस की है, एक ही संख्या माइनस की है, एक हमारी विषम संख्या होती है, ऑड नंबर है 1, तो इसलिए उत्तर में माइनस का निशान आएगा।
माइनस का 15/32। क्लियर? देखो बेटा, अगर क्लियर है मैं तभी पोल में क्वेश्चन दूंगी अगला। देखो करे पोल में, ठीक है। अस्सी को भाग दो 16/17 तक। कीजिए अस्सी को भाग दीजिए 16/17। दो बच्चों का आंसर आ चुका है। अब देखे। Yes, चार बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी करेंगे जल्दी जल्दी सवाल। बेटा अभी तक चार ही बच्चों का आया है, बाकी बच्चे क्यों नहीं कर रहे आंसर पोल में? सभी का आंसर आना चाहिए। मैम मेरे में पोल सेक्शन नहीं है। आता ही नहीं आपके में? मैम कोई बात नहीं, तो जिसके में आता नहीं है उसके पास ऑप्शन ही क्या है, वो चैट में करेगा। पर जिसके पास पोल का आ रहा है वो कोई मिस नहीं करना, कभी करेंगे पोल। काउंटडाउन स्टार्ट कर दो बेटा। हो गया सभी का? 5 सेकेंड्स और आखिरी के। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कर दो आंसर। चलिए 80/1 को 80/1 ही रहने देते हैं, इसका कर दो व्युत्क्रम।
ऊपर 16 नीचे, 17 ऊपर 16 नीचे, भाग का हो जाएगा गुणा, भाग का हो जाएगा गुणा। 16 के पहाड़े में 80 कितनी बार आता है? 5 बार आता है, 16 5 जो 18, 16 5 80। ऊपर ऊपर देखो, ऊपर बचा है 5 और 17, 5 और 17 ऊपर है, नीचे कुछ नहीं है, नीचे 1 है, 17 5 85। अब नीचे एक का तो कोई मतलब है ही नहीं ना बेटा, मतलब सिंपल इसका आंसर 85 होगा। यस, सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर सभी को सवाल? ठीक है, अगला करें, नेक्स्ट सवाल। गुड, अब यहाँ साइन जरूर देखना, माइनस का 17/80, माइनस का 17/16 को भाग दो 102/96 से। ठीक है, तो पहाड़ा सभी को याद होना चाहिए, पहाड़ा गलत हो गया क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। एक ही संख्या माइनस की है सिर्फ। वेरी गुड कीजिए सभी बच्चे यार। पहाड़ा याद होना चाहिए 17 और 16 का, तो आपका क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा। मैम चैट सेक्शन नहीं चल रहा। क्या बेटा? मैम चैट सेक्शन नहीं चल रहा है। हाँ, अभी मैंने बंद किया है ना, पहले बच्चे पोल में करेंगे तब चैट सेक्शन ऑन होगा, थोड़ा सा वेट कर लो। तीन चार बच्चे और रह गए हैं बेटा, कीजिए जल्दी जल्दी से। तो इन क्वेश्चन में अभी अगर आप 2 3 मिनट ले रहे हो ना, तो बहुत ज्यादा टाइम है। कैलकुलेशन स्पीड आपको तेज करनी है ना अपनी। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1, बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर। तो मैंने क्या बोला, जो पहला वाला संख्या है ना उसमें कोई चेंज नहीं करना, इसको ऐसे उतार दो, इसको कर दो उल्टा, 96 ऊपर 102 नीचे।
छियानवे ऊपर 102 नीचे। अब पहाड़ा पढ़ो 17 का, 17 सिक्षा 102, 17 छक्के 102, 16 छक्के 96, 16 सिक्षा 96, 16 सिक्षा 96। 6 से 6 कटिया, 6 से 6 कटा, क्या बचा? एक। अब क्योंकि एक ही संख्या माइनस की नजर आ रही है ना आपको, एक ही है माइनस की, और एक हमारी विषम संख्या होती है, इसलिए उत्तर में माइनस का निशान आएगा। 20 का करेक्ट आंसर है। वेरी गुड बेटा, बी है ना, सभी को क्लियर हुआ? किसी को भी किसी भी पार्ट में अगर थोड़ा सा भी डाउट है ना तो पूछ लो, कहीं पे भी हो डाउट तो पूछ लीजिए। सर वो ही समझाओ मैडम जी, समझ में ना आई। सर बेटा आपने क्लास लेट क्यों ज्वाइन करी पहले तो मुझे बताओ, समझा तो मैं दोबारा दूंगी, पर समझने के लिए क्लास टाइम पे ज्वाइन करनी होती है ना, अगर आप आधे घंटे लेट आओगे तो समझ में कैसे आएगा? देखो पहले क्या करते हैं, जो पहली संख्या है उसको ऐसे उतार दो, -17/16। दूसरा जो संख्या होता है इसको उल्टा कर देते हैं, मतलब अब 96 ऊपर जाएगा 102 नीचे आएगा, बीच में भाग की जगह क्या लगाओगे? गुणा लगाओगे। अब जो संख्या कट रही है काट दो, ऐसे काटो क्रॉस में या ऊपर नीचे कटते हैं। 17 और 102 आपस में कट रहे हैं, 17 छक्के 102 होता है, 16 छक्के 96 होता है, यहाँ 6 और 6 भी कट रहे हैं, 6 से 6 कट गया, एक बारी एक उत्तर आया। अब क्या होता है, अगर एक ही संख्या माइनस की होती है, हम माइनस के निशान काउंट करना है, एक ही संख्या माइनस की है तो एक हमारी विषम संख्या होती है, इसलिए उत्तर में भी माइनस का निशान आएगा। अगर दोनों संख्या माइनस की होती तो प्लस का आता, क्योंकि दो हमारी सम संख्या है। ठीक है नितिन, चलिए अगला सवाल करते हैं। पोल में माइनस का 75/12 को भाग देना है माइनस का 15/36 से। अब यहां ध्यान देना, दो संख्याएं माइनस की हैं, दो संख्याएं माइनस की है तो ध्यान से साइन लगाइएगा बेटा आंसर में। वेरी गुड, दो बच्चों ने आंसर किया है दोनों का, ठीक है। और किसी का रह गया है बता दो बेटा, नहीं तो काउंटडाउन स्टार्ट करती हूँ। आखिरी के 5 सेकंड्स और, 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर दो जिन्होंने पोल में नहीं किया।
कभी का सी है, डी पे भी क्लिक किया है बेटा किसी ने, किसी ने ए पे भी क्लिक किया है, कभी सी लिख दोगे तो बेटा सबका ही तो ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, चलो देखो तो पहले वाले में कोई परिवर्तन नहीं है, ऐसे का ऐसे उतरेगा। दूसरे वाले का उल्टा करना होता है ना, तो इस बार 36 ऊपर जाएगा, 15 नीचे आएगा, बीच में लगा दोगे गुणा। अब जो संख्या आपस में कटती है उसे काट दो, 12 तिया 36 होता है, 12 तिया 36, 15 पंजे 75, 15 जा 75। बेटा ऊपर क्या है, 5 और 3 दोनों संख्याएं ऊपर है ना और गुणा में है, नीचे देखो दोनों संख्याएं कट गई है, कुछ नहीं बचा, 5 तिया 15। अब क्योंकि एक ही संख्या माइनस की है, एक ही संख्या माइनस की है तो उत्तर में तो माइनस आएगा ही, सॉरी एक नहीं दोनों संख्याएं माइनस की है, दोनों संख्याएं माइनस की है ना, पहली भी माइनस की है और दूसरी भी, तो इसलिए उत्तर में आएगा प्लस का निशान, प्लस का 15। क्लियर? बी तो आएगा ही नहीं बेटा, बी कैसे आएगा, नीचे 1 आ रहा है, ऊपर थोड़ी ना 1 आ रहा है। ठीक है पंकज, यस क्लियर? मैम। तो बेटा ये था हमारा लास्ट सवाल इसका भाग का। अब हमारा अगला टॉपिक है, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है भिन्न से दशमलव, फ्रैक्शन टू डेसिमल। ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि हम कैसे भिन्न से दशमलव में परिवर्तन करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 1/2, भिन्न क्या होता है, पहले तो भिन्न समझो, भिन्न क्या होता है, जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखे, फ्रैक्शन जिसे पी बाय क्यू के रूप में लिखते हैं, तो 1/2 भी एक भिन्न है। अब 1/2 को मुझे डेसिमल में लिखना है तो क्या क्या तरीका है, भाग करना ही तरीका है, तो 1 को मुझे भाग देना है 2 से, 2 के पहाड़े में 1 तो आता ही नहीं है, कैसे भाग जाएगा, क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, दशमलव लगा दो, यहाँ शून्य आ गया, 1 दशमलव से 1 ही 0 आता है, ये सबको पता है ना। अगर मुझे एक और 0 चाहिए होता तो मुझे 0 यहाँ फिर से लगाना पड़ता, अगर एक और 0 चाहिए होता, लेकिन 1 0 से काम बन गया तो इसलिए डेसिमल ही लगाएंगे। 2 5 जा 10, उत्तर कितना आया, 0.5, 0.5। क्लियर है? इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी कर सकती थी, करके दिखाऊं दूसरा तरीके से, चलो दूसरे तरीके से देखते हैं इसको। 1/2 को अब मुझे क्या करना है, हर में ना, हर में ऐसी संख्या बनानी है, 10 100 1000, अगर इस तरीके की संख्या मेरे हर में बन गई तो मेरा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो आप 2 को 10 बना सकते हो, 2 को 10 बना सकते हैं बेटा, बताओ ये सुनो कैसे बनाओगे, क्या करोगे, 2 को 10 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 में गुणा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, किस अंक से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 हमारा 10 बन जाए। बेटा बताइए, 5 से गुणा करेंगे, 2 को 5 से गुणा करेंगे, जब नीचे 5 से गुणा कर रहे हैं ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा, ऊपर क्या बन जाएगा, 5/10, 5/10। देखो अब क्या है, भाग देना है, नीचे 1 ही 0 है ना, नीचे 1 ही 0 है, तो ऊपर जो संख्या उसे ऐसे लिख दो, ऊपर संख्या को ऐसे लिख दो, नीचे 1 0 है तो हमें जाना पड़ेगा बाईं तरफ को, नीचे 1 0 है हमें बाईं तरफ को जाना है, तो 1 0 है तो मुझे एक अंक होना चाहिए लास्ट से, एक अंक पहले लगेगा क्योंकि 1 ही 0 है, पहला अंक तो यही है ना, 5 से पहले लग जाएगा, तो उत्तर आ गया 0.5। दोनों तरीके से समझ में आ गया आपको सवाल, कैसे मैं इसको चेंज करूं, पहला तो डायरेक्ट है कि मैं इसको भाग कर दूं, दूसरा तरीका है कि मैं इसको 10 में परिवर्तित करके फिर भाग कर रही हूँ, और ये भाग तो डायरेक्ट ही हो जाएगा।
क्वेश्चन क्लियर है? कोई एक क्वेश्चन पोल में दे दो, बताइए सभी बच्चे पोल में करें। ठीक है, एक बट्टे चार 2 दशमलव में लिखिए। वेरी गुड बेटा, ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत होने वाला इसमें कुछ भी नहीं है। वेरी गुड, 3 बच्चों का आंसर आ गया। इसको मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी, जो 2 मेथड मैंने अभी आपको सिखाए हैं, तो आप फिलहाल तो पहले ही मेथड से करो। काफी बच्चों को बेटा इसमें आंसर भी गलत आ रहे हैं, 5 में से सिर्फ 2 बच्चों का आंसर ठीक है। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर इसका। डी। अच्छा, ए किस किस का आया है? डी आया है, ए किस किस का आया है? बी भी आया है, ए किसका आया है? ए 2 बच्चों का ए आया है या 4 बच्चों का आया है? चलो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसे पहले तरीके से ही करा रही हूँ। एक को 4 से भाग देना है, एक को 4 से भाग देना है। 4 के फाड़े में 1 तो आता ही नहीं है, 4 के फाड़े में 1 नहीं आता। क्या करेंगे? डेसिमल लगाएंगे। दशमलव लगा दो, यहाँ 0 आ गया। क्या करोगे फिर? 4 दुनी 8, 10 में से 8 जाएंगे, 2 आएगा। देखो, तब तक हम भाग देते रहते हैं जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो अगर इसका आंसर 0.2 होता है, इसका मतलब शेषफल 0 आ जाना चाहिए ना, लेकिन शेष तो अभी बाकी है। इसका मतलब ये आगे और भाग होगा। डेसिमल पहले से था, एक और 0 आ जाएगा। अब करो 4 5 20, आ गया ना शेष 0, आ गया शेष 0। तो यही मेरा उत्तर है,
0.25, 0.2 नहीं है बेटा, 0.2 का तो ये मतलब है ना कि दो बार में पूरी तरह विभाजित हो गया, बट ऐसा नहीं है, ये आगे भी चलता रहेगा। क्लियर है? जिनका भी ए आया, बी आया, डी के अलावा जो भी ऑप्शन आया, तो ये तो था इसका पहला तरीका। अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी करवाती हूँ, दूसरा तरीका जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था, एक बट्टे चार। अब मैंने बोला है नीचे ना या तो 10 बन जाए या 100 बन जाए या 1000, इस तरीके की संख्याएं बन जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब चार को मैं 10 तो बना नहीं सकती क्योंकि चार के पहाड़े में 10 तो आता नहीं है, लेकिन 100 जरूर बना सकती हूँ। किससे? 25 से गुणा करके। 25 चौके 100 होता है। अब जिस संख्या से नीचे गुणा करते हैं उसी से ऊपर करते हैं, ऊपर आएगा 25, नीचे आएगा 100। 25 बटे 100, 25 बटे 100। ऊपर जो संख्या है 25 उसे ऐसी रहने दो, नीचे कितने हैं? 0, 2 शून्य है, 2 0 है। तो आपको क्या करना है, लास्ट से 2 अंक पहले लगना चाहिए डेसिमल, लास्ट से 2 अंक पहले। लेट हो गया क्या बेटा? समझ, लेट हो गया, सॉरी। हाँ बेटा, लेकिन क्लास का जो टाइम है उसी में आओ, प्रॉब्लम आप ही को होगी, समझ में नहीं आएगा। लास्ट से 2 अंक पहले, ये रहा पहला अंक, ये रहा दूसरा अंक, इससे पहले लगेगा क्योंकि आपको बाई तरफ को जाना होता है, बाई तरफ को। तो क्या आएगा? 0.25। इससे भी वही आंसर है। अब बताइए, दोनों तरीके समझ में आ गए? चलिए बेटा, बी कैसे आएगा? डी है ना, बी नहीं आंसर, अभी भी डी है, 0.25। अभी भी कंफ्यूजन हो रही है क्या? राठौड़ कुमार के नाम से जो बच्चा है वहां पे कंफ्यूजन हो रही है बेटा, बताओ। मैम गलती से हाथ लग गया, मैं डी पे लगा रही हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे बोलूं कि 1/10 को जब आप भाग दोगे क्या आएगा? देखो, इस क्वेश्चन को ना इस तरीके से नहीं करना, आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना, हम डायरेक्ट करेंगे इसको। डायरेक्ट कैसे कर देंगे? क्योंकि नीचे 0, 100, 1000 होगा तो मुझे भाग देने की ऐसी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। करना क्या है, ऊपर जो संख्या दे रखी है उसे ऐसे लिख दो, ऊपर 1 है ऐसे लिख दो, नीचे गिनो कितने 0 है, कितने 0 नजर आ रहे हैं आपको? नीचे एक ही 0 है ना, और आपको ध्यान देना है कि डेसिमल लास्ट से दाएं से बाएं की तरफ को जाना है आपने, दाएं से ही बाएं की तरफ, उल्टी साइड। नीचे 1 0 है तो लास्ट से 1 अंक पहले लगेगा, तो लास्ट से पहला अंक तो यही है ना, एक ही है पहला अंक, इससे पहले लग जाएगा, तो उत्तर आएगा 0.1। क्लियर? एक मैं आपको देती हूँ क्वेश्चन, ऐसी आप मुझे बताना क्या आंसर आएगा, सेम इसी तरीके का। चौदह बट्टे सौ क्या आएगा आंसर? चैट सेक्शन में लिखेंगे सभी। Yes, एक बच्चे का आंसर आ गया, वेरी गुड बेटा, एकदम करेक्ट लिखा है। हाँ एकदम करेक्ट है। चलो एक और बार समझ लो इसे, मैंने बोला ऊपर जो संख्या है ऐसी उतार दो, पर 14 लिखा है ना, इसको ऐसी उतार दो, 14 को 14 लिख दो। नीचे है 2 0, काउंट करें, मैंने देखा 2 शून्य है, मुझे जाना है बाई तरफ को,
कितने शून्य है? दो, तो मेरे पास दो अंक होने चाहिए, तो पहला अंक 4 है, दूसरा अंक 1 है, इससे पहले लग जाएगा। 0.14 इसका आंसर है, 0.14। 100% यूज हो गया बेटा, डेटा सेव करके रखा करो क्लास के लिए। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन करें पोल में। लेकिन मैम मेरे में तो पोल सेक्शन नहीं आता। बेटा कोई बात नहीं, आप ना चैट सेक्शन में कर दिया करो। अच्छा एक और सवाल मैं करवा रही हूँ, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकते हैं, फिर करेंगे पोल में। अगर मैं आपके सामने लिखूं, एक को या 4 को भाग करना है 1000 से, 4 को भाग करना है 1000 से, तो कैसे करेंगे? ऊपर जो संख्या ऐसी उतार दो, नीचे शून्य कितने हैं? 3। अब मुझे ना 3 अंक चाहिए, लेकिन आप ध्यान दोगे यहाँ पे तो एक ही अंक है, एक ही अंक नजर आ रहा है ना 4, बाकी के 2 अंक कहाँ से आएंगे? तो एक ही अंक है, दूसरा तीसरा अंक तो है ही नहीं, यहाँ तो है ही नहीं। क्या करना है फिर आपको यहाँ पे अंक बनाने के लिए? क्या ऐड करोगे? 0 ऐड करोगे, तो 2 जीरो चाहिए मुझे, क्योंकि 4 तो पहला अंक हो गया ना। 0.004 0.004 ये इसका उत्तर है। मीन्स आप लोगों को समझ में आ गया है कि जहां पे अगर मुझे अंक कम पड़ रहे हैं तो वहां मैं 0 लगा दूंगी। ठीक है, चलिए अब दे रही हूं मैं आपको पोल में सवाल। एक बट्टे 100 को कैसे लिखोगे? दशमलव में पीछे कर दिया। वेरी गुड। बेटा शून्य ढंग से काउंट करो, गलत नहीं होगा अगर 0 काउंट कर लोगे तो। मैम कर दिया। हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। अच्छा जिसने भी जो भी आंसर पोल में लगाया ना, सेम वही टाइप करो जो भी उन्होंने पोल में लगाया। सबने ये लगा है? नहीं, सबने तो ये नहीं लगाया, यही तो प्रॉब्लम है। मैंने क्या बोला, ऊपर जो संख्या दे रखी उसे ऐसी उतार दो, ऊपर 1 है 1 उतार दो, नीचे कितने जीरोज है? 2 जीरो है, नीचे 2 जीरोज है, तो आपको कितने अंक चाहिए? 2 अंक चाहिए। पहला अंक तो 9, 1 हो गया, लेकिन दूसरा अंक तो है ही नहीं, आपको 0 लगाना पड़ेगा। बस 2 अंक हो गए, पहला दूसरा, बस इससे पहले लगा दो 0.01। ए इसका करेक्ट आंसर है, 0.01। कुछ बच्चों ने बेटा डी पे भी लगाया, कुछ ने सी पे भी लगाया, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्या सभी का यही आ रहा है? मैम हमने तो पोल सेक्शन में ए किया था। हाँ सिर्फ 3 बच्चों ने ए किया है, बाकी 3 बच्चों ने गलत किया है, बी और सी पे लगाया है।
चलिए ठीक है, सभी को क्लियर हो गया ये सवाल? हाँ, जिसका ए आया था ठीक है, जिसका ए नहीं आया उनसे बोल रही हूँ। अगला टॉपिक है दशमलव। सिंप्लीफाई हमने सीख लिया है। देखो इसमें भी सेम वही सवाल है, इसमें सेम वही सवाल है कि कैसे हम दशमलव में इसे बदलते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन को। जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 952 को 10 से भाग देना है, 952 को 10 से, तो 952 ऐसा का ऐसे ही, नीचे एक शून्य है तो एक अंक तो पहले लग जाएगा, लास्ट से एक अंक पहले, तो एक अंक तो दो ही है, दो से पहले, तो 95.2 इसका उत्तर है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में फिर से एक और, ठीक है, दशमलव का ही है। पंद्रह बट्टे छह को डेसिमल में कैसे लिखोगे? भाग करना है आपने, जो अभी हमने किया सेम वैसी। कीजिए सभी बच्चे पोल में। देखिए कितने बच्चों ने कर दिया आंसर, यस 5 बच्चों का आंसर आ चुका है। अच्छा आखिरी के 5 सेकंड्स और, 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे क्या क्या आया है आप लोगों का, कीजिए। यस ठीक है, चलिए तो 15 को किससे विभाजित करना है, 6 से डिवाइड करना है, 6 3 18, 6 दुनी 12, 6 दुनी 12 जाएगा, 5 में से 2 जाएंगे, 3 आएगा, 3 अब जाएगा नहीं तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, लगा दो, शून्य आ गया, 6 5 30 इसका उत्तर है, 2.5 यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बट बेटा फिर से मैं बार बार यही बोल रही हूँ, फिर से मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि सबने डी पे टिक नहीं लगाया था, बाकियों ने ए बी सी पे भी टिक लगाया था। अब चैट सेक्शन में तो सब सही करते हैं लेकिन एक्चुअल में फिर वो गलत होता है ना? क्लियर हुआ सभी को ये? हाँ, जिसका नहीं लगा था डी पे बेटा, क्योंकि आप चैट सेक्शन में सभी बच्चे डी लिख रहे हो ना, बट पोल में भी तो गलत हुए ही हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है, इसके बाद अगली क्लास में देखेंगे इसके आगे का, क्लियर है? और होमवर्क मैं आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी।